बच्चों साइंस का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड आइसोटोप्स। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज है। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक फार्मूला बताया 2n^2, ठीक है। अब बच्चों इस फार्मूले के तहत आप मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, फॉर एग्जांपल में जैसा ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है न्यूक्लियस, इसमें जिस तरह हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में कुछ भी नहीं होता और आइटम इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर एक पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो ये जो चीजें आ जाती हैं ये वाली, इनको शेल या ऑर्बिट कहते हैं, शेल या ऑर्बिट कहते हैं, शेल और ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पाथ। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का रास्ता, ठीक है। इसमें ये क्या चीज आ जाती है, इलेक्ट्रॉन का रास्ता, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा इसके रास्ते पर चलता है, इलेक्ट्रॉन का रास्ता आपके पास आ जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एटम का जो सारा वजन होता है वो उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हल्का होने की वजह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है और ये क्लाउड की सूरत में घूमता है, इसको देखना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन भाई जो चार के इसके इर्द घूमता है, जिस रास्ते पर ये चलता है इसको हम शेल कहते हैं और ऑर्बिटल पाथ कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिट में घूमता है। अब ये ऑर्बिट में एक लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये घूमता है, जिस लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक ये पास घूमता है उसका फॉर्मूला आपके पास 2n², यानी कि 2 और ये फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, तो आप इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे 2 × 1, सो दिस इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑर्बिट में आपके हाथ, आपके पास हर हाल में 2 ही होंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4, सो दिस इज इक्वल टू 8। सेकंड में हर हाल में 8 ही होंगे। थर्ड में बच्चों आपके पास आ जाएंगे 2 × n³ इज इक्वल टू 2 × स्क्वायर ही होगा, ये तो नहीं बदलता, 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 3 = 9, 18, तीसरे में 8 आएंगे, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, इन ऑर्बिट्स को नाम दिया गया है, पहले को के शेल कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं और तीसरे को एम कहते हैं, के एल एन एम, के एल एन एम। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जब आपसे कहा गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें के एल एन एम का, कोई भी आपके पास चीज है जिसमें आगे देखो उसका, फॉर एग्जांपल कि उसका उसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है, पहले में बच्चों में डालता हूं 2, दूसरे में 8, 8 तो 10 हो जाएंगे, अब तीसरे में स्टूडेंट तो 18 आने चाहिए, लेकिन मुझे कितने चाहिए 8, तो तीसरे में मैं 8 करूंगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप मुझे याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे जो फॉर्मूला हमने लिखा 2n², फर्स्ट सेल जब होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, 3 होगा तो 3 का स्क्वायर, 4 होगा तो 4 का स्क्वायर। तो जिस तरह एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी कोई भी एटम इसके अंदर 18 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 18 है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद बना लिया। हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर ऑफ आइटम्स पे बनती है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है और प्रोटॉन भी 18 है, न्यूट्रॉन भी शक 17 या 19 हो, और हमने न्यूट्रॉन पे नहीं बनाना, हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे बनानी है, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे। तो बच्चों ये 18 था, तो पहले शेल में मैंने कहा कि 2 से ऊपर हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसकी हम शक्ल बनाएंगे, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन इसमें 18 है, न्यूट्रॉन भी इसमें 18 है, अभी हम अपने इलेक्ट्रॉन भी इसमें 18 बनाएंगे, ये पहले में 2 आ जाएंगे, 2 से ऊपर बन ही नहीं सकते, दूसरे में हम 8 बनाएंगे, 8 से ऊपर जा ही नहीं सकते हम लोग, तीसरे में बच्चों 8 तो 10 हो गए, तो तीसरे में वैसे बनते तो 18 है, लेकिन हम कितने बनाएंगे, हम 8 ही बनाएंगे, क्योंकि हमें 8 ही चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं चाहिए।
अब हिस्सा बचो, ये इसका पूरा होता है ना, ये इसके इर्द गिर्द यहां पर आता है, ये इसके इर्द गिर्द यहां पर आता है, ये इसके इर्द गिर्द यहां पर आता है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई। तो ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई कि आपने किस तरह सुनना है। आपने अपने फॉर्मूले को याद रखना है, अपने ऑर्बिटल के शेल की जो नाम है KLM, आपने इनको याद रखना है। जब ये दोनों चीजें आपको याद हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आपके लिए करना आसान है। और आज आप लोगों का होमवर्क है कि पेज नंबर 61 पर, पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर 59 पर जो आपको, पेज नंबर 59 पे होमवर्क, पेज नंबर 59 पे होमवर्क है। कुल अगर आपके पास बचो जितने भी मतलब के एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स के आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसके पेज नंबर 18 पर सबसे पहले आपको दिया गया हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रीलियम, अब उसको आन की टेन, कितने की टेन है ना, 20, ये आपको 20 दिए गए हैं। आपने एक शीट पे प्यारे प्यारे कंपास लेके सर्कल ड्रा करके न्यूक्लियस का उसके जितने हैं उनका सबका करके फिर नीचे आपको बकायदा रोल पे टेबल बनाना है जिसमें आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में चेंज करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का देखे तो प्लीज आप जो आप इसको पास रखिएगा। आज की डेट का आपका होमवर्क है, जब इन चार नंबर का आपको आज ये होमवर्क प्रेप करूंगा, राइट। उसके बाद में जो हमने पढ़ा था वैलेंसी नंबर और आइंस, तो उसमें ये पेज नंबर 61 पर, पेज नंबर 61 पर ये आपको ड्यूनो लिखा हुआ है 61 पर। तो नाउ यू नो कहते हैं अ प्रोटॉन कैरीज डैश चार्ज, बच्चों सबसे पहले डैश में आपका क्या है, पॉजिटिव प्लस चार्ज। कहते हैं डेंस सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है किसी का भी उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। इसका थर्ड पार्ट आपके पास आ गया, द डैश इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मेटल एटम, ATOM एटम। नंबर फोर, डी डैश इज अ एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होने की वजह से उसके इर्द-गिर्द ऑर्बिटल शेप में घूमता है। नंबर फाइव, इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन ऑर्बिटल शेल, ऑर्बिटल कहते हैं इसको फाइंड करना हो, ऑर्बिटल या शेल के अंदर हम इसको घूमते हैं। उसके बाद है जी, विच ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम्स कैरीज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। नंबर टू का क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वेयर आर न्यूट्रॉन्स फाउंड इन एन एटम्स, ठीक है, तो बच्चों न्यूक्लियस से, NUCLEUS, न्यूक्लियस। नंबर फोर, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर।
आप आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दो तीन चीजों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। जो सबसे पहली चीज मैंने बोर्ड पे मेंशन की वो था 2n स्क्वायर के ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, सेकंड में, थर्ड में। फर्स्ट को k कहते हैं, सेकंड को n कहते हैं, थर्ड को m कहते हैं। k में हमेशा हमारे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, l में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और m में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस फॉर्मूले के तहत होती है। अगर आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पे आपको 18 दिया गया है, ठीक है, 18 में से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, तो आपने कहा सर k के अंदर 2, l के अंदर 8, 8 में 2 10 हो गए, तीसरे में आते 18 है लेकिन हमें 8 की डिमांड है, हम 8 लिखेंगे। फिर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये होता है, इसका जो लास्ट सेल होता है, लास्ट सेल में एक्सेप्ट मतलब हाइड्रोजन के, उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद अगर कम हो, फॉर एग्जांपल के जैसा तीसरे में 18 है, ठीक है, वहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एटम किसी भी दूसरे से जाके मिलना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, बजाय 17 लेने के ये एक दे देगा। देने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको पॉजिटिव आयन कहते हैं, जिसका सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन, यानी जो आप नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम के आखिरी ऑर्बिट में एक है और एक शायद है, ठीक है, सोडियम में, और इस तरह क्लोरीन के आखिरी में शायद 7 है, तो बजाय इसके कि 7 उससे ले, ये एक अपना उसको दे देते हैं और इसकी वजह से सोडियम के ऊपर जो आयन आता है पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर जो आयन आता है वो नेगेटिव। तो ये चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपने तैयारी करनी है। और ये पेज नंबर 59 पर एलिमेंट जितने भी हैं इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करनी है, और मतलब मजे के प्यारे प्यारे कंपास लेकर उनके सर्कल ड्रॉ करके और उसको नंबर ऑफ आइटम और न्यूक्लियस वगैरह सबको ऑर्बिटल जो उसका पाथ है उसको अच्छी तरह आपने बनाना है और ब्लैंक पेज के ऊपर बनाना है। आपकी कॉपी के दो पेजेस हैं, एक पेज पे लाइनें हैं इंटरलीफ उसको कहते हैं और दूसरा पेज सादा है, जो सादा पेज है उसके ऊपर आपने ये चीज बनानी है और कंपास का यूज करना है। ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े दायरे बने हुए पेंसिलों से वो आप उठा के लिए, तो ये काम आपका नोटबुक का काम है जो आपने नोटबुक के ऊपर सादे पेजेस पर करना है। उसके बाद बच्चों यूजन होता कि ये जो फिल द ब्लैंक्स के बारे में पहला जो था उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम का सारा बंधन कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो आखिर बात में जो गर्दिश करता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चलता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल पाथ या शेल कहते हैं। अच्छा, फिर नंबर टू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है सारा बंधन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये दो तीन चीजें आपके आ गई। अभी बच्चों आपका एक टॉपिक रहता है जिसको कहते हैं आइसोटोप्स, ये मैंने लिख दिया बोर्ड पे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में मैं रीडिंग करता हूं, तो आप लोग सुन लें आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द आयंस आर एटम्स दैट आर आइदर मिसिंग आर हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि आपने कहा कि जिसमें मतलब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, आपने उसको कहा कि आयंस के बारे में, जैसा मैंने आपसे कहा सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम जो है उसके आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको लॉस कर देता है, और क्लोरीन के साथ होते हैं वो उसको ऐड कर देती है। इस तरह सोडियम पे पॉजिटिव और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेट अस से एन एटम इज मिसिंग अ न्यूट्रॉन और हैज एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, द टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड आइसोटोप्स। कहते हैं कि जब लेट अस से एन एटम इज मिसिंग अ न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन को मतलब के मिसिंग और हैज अ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, तो इस टाइप को क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। एन एटम इज स्टिल द सेम एलिमेंट इफ इट इज अ मिसिंग एन इलेक्ट्रॉन, द सेम गोज टू आइसोटोप्स। क्या हो गया इसका कि एन एटम इज स्टिल सेम, तो एलिमेंट इफ इट इज मिसिंग एन इलेक्ट्रॉन, द सेम गोज टू आइसोटोप्स, दे आर स्टिल द सेम एलिमेंट, दे आर जस्ट अ लिटिल डिफरेंस फ्रॉम द अदर आइटम्स ऑफ एंड द सेम एलिमेंट्स। Isotopes are atoms of same element
which have the same atomic number but different mass number. Let us understand this form of examples. These are a lot of carbon atoms in the universe. The normal ones, the carbon atomic number is 12. Those atoms have 6 neutrons. There are a few straggler atoms that do not have 6 neutrons. Those odd ones may have 7 or 8 neutrons. As you learn more chemistry, you will probably hear about carbon-14. Carbon-14 actually has 8 neutrons extra. Hence, C14 is considered isotopes of the element carbon. यानी कि उसने जो नए जो उसने इलेक्ट्रॉन एडॉप्ट किए, 8 के मतलब 6 उसके आपने थे, 8 उसने नए एडॉप्ट किए, तो उसका एटॉमिक नंबर 14 हो गया. तो कहते हैं ये इसका आइसोटोप्स कहलाएगा. इफ वी लुक एट द C14 एटम्स वन मोर टाइम्स, वी कैन सी दैट द C14 डज नॉट लास्ट फॉरएवर. देयर इज अ पॉइंट वेयर इट लूजेस दोस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड बिकम्स C12. That loss of neutron is called radioactive decay. That decay happens regularly like a clock for carbon. The decay happens in a couple of thousand years. Some elements take longer and the others have decay. The happens of over periods of minutes. Such elements are radioactive elements and their property of losing neutron is called radioactivity. ठीक है? उसके बाद पेज नंबर 62 पर यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स के यूजेस क्या हैं? उनको हम किस लिए यूज करते हैं? सबसे पहले है कि कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर रेडियोथेरापी. तो रेडियोथेरापी के लिए जो है वो कोबाल्ट को यूज किया जाता है. उसके बाद नंबर 2 पे आयरन 59 is used for studies of iron metabolism. Number 3, rhenium 186 is used for the pain relief in bone cancer. Number 4, iodine 123 is used for diagnosis of thyroid function. Number 6, thallium 2001 is used for diagnosis of coronary arteries diseases and other heart conditions such as heart muscles death. राइट उसके बाद इन एग्रीकल्चर आज मतलब कि आइसोटोप्स का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, ये तो साथ साथ ह्यूमन बॉडी के लिए. तो एग्रीकल्चर में ये कहते हैं कि आइसोटोपिकली लेबल्ड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर यूज्ड टू स्टडी फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ज्यादा तारीफ के अमल में ये काम आता है. नंबर 2 पे ये एग्रीकल्चर में आइसोटोप्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर एडेड टू स्मॉल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स and then added into plant cell. So to see how bigger biological molecules are made from these cells. उसके बाद now you know में पहले plank में आपका आता है जी isotopes और दूसरे में आता है radiotherapy. पहले में isotopes और दूसरे में ये page number इस पे 62 पर जो now you know में ये ऊपर आपने टॉपिक पढ़ा. तो पहले में पहली लाइन में आपके पास आता है आइसोटोप्स और नंबर 2 में आता है रेडियोथेरापी. आइसोटोप्स एंड रेडियोथेरापी. उसके बाद बच्चों बात पेज नंबर 63 पर आप लोग आ जाएं. पेज नंबर 63 पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि नीचे आपको ऑप्शन दिए गए 1, 2, 3, 4. आपने जैसा कि सारा चैप्टर पढ़ा और उसके अंदर देखते हैं आपके पास अभी कौन कौन सा नॉलेज आया है कि आपके मतलब कि जो चीज मैं बताऊंगा वो ऑलरेडी आपको पहले से ही पता होनी चाहिए. पेज नंबर 63
कहते हैं कि चुन द करेक्ट आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ मेटल इज, बेसिक यूनिट ऑफ मेटल क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, एटम है। बच्चों पहले का आंसर है वन का एटम, ये बेसिक यूनिट जो है वो उसकी क्या है, मेटल की एटम है। नंबर टू में आपसे कहता है आइसोटोप यूज इज रेडियोथ्रॉपी इज कोबाल्ट। तो मैंने आपसे जैसे कि अभी आपको बताया कि रेडियोथ्रॉपी के लिए हम किसको यूज करते हैं, आपको कहते हैं यूरेनियम को करते हैं, कोबाल्ट को करते हैं, कार्बन को करते हैं, नन ऑफ दीज। तो बच्चों बी वाला है सेकंड कोबाल्ट, हम कोबाल्ट को रेडियोथ्रॉपी के लिए यूज करते हैं। नंबर थ्री, नंबर थ्री में आपसे कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिवन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कहते हैं कि द डिफरेंस के फर्क है मास नंबर और एटॉमिक नंबर के दरमियान में, ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर। तो बच्चों जब आपको एटॉमिक मास का कहा जाता है तो एटॉमिक मास में मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। जब एटॉमिक नंबर की बारी आती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन का इसमें जिक्र ही नहीं है, तो इसमें से न्यूट्रॉन की मिसिंग आती है, तो नंबर तीन का आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन, नंबर थ्री पे न्यूट्रॉन। नंबर थ्री पे आपका आ गया जी न्यूट्रॉन्स, और इसका जिक्र नहीं आता इसमें। एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड आइसोटोप्स, तो इसको हम आइसोटोप्स कहेंगे। जो भी कल आपका आंसर है आइसोटोप्स। तो इस तरह बच्चों आप लोगों का ये आइसोटोप्स का टॉपिक और प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और प्लस ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सारी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ मिलेंगे कि नेम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो बी सी डी हैं, ये तीनों में आपको हल करवा दूंगा।